छाड़ चलो चलिए बहुत बढ़िया। और देखो देखो ऊपर देख हमारा ये जो उद्देश्य ये रहता है टावर बनाने का, क्योंकि शहर में एक ऐसा ऊंचा स्थान खोजना जहाँ से सिग्नल को हम भेजे तो वो दूर तक जा सके, है ना। जब कोई आप ऊंचाई की जगह पे रहते हैं तो दूर तक नजर जाती है कि नहीं, है ना। तो जब सिग्नल भी ऊंचा होगा तो वो भी दूर तक जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं टावर एक ऊंचा बनाते हैं जिसके ऊपर हम उस इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, उस मशीन को रखते हैं जिससे रेडियो का प्रोग्राम जा, ठीक है। और रेडियो का प्रोग्राम दूर तक कैसे जाएगा, जब हम उसको सबसे ऊंची जगह पे रखेंगे। ये सबसे ऊंची जगह पे हमारा वो देख रहा है ना चोट जैसा इसमें निकला हुआ है ना, वो हमारा ये जो एफएम ट्रांसमीटर, एफएम सुनते हो रेडियो में, एफएम मोबाइल में एफएम मालूम है, हाँ, जिसमें गाने आते हैं, तो वो एफएम का सिग्नल हम लोग ऊपर हमारे मशीन में डालते हैं, जिसको हम एंटीना के, ये एंटीना के टॉप में डालने से वो दूर तक जाता है, ठीक है। पहले आप जो यहाँ खड़े हो ना वो एक कैंपस में, ये हमारा पूरा आकाशवाणी है, ठीक है, ये आपका पूरा आकाशवाणी का कैंपस है, ये आपका दूरदर्शन का कैंपस है। दूरदर्शन टीवी देखते हो, टीवी में जो सिग्नल हमको मिलते हैं वो भी इसी टावर पे लगे मशीन के द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये दोनों का सिग्नल जो है मोटे मोटे केबल, आप लोगों का मोबाइल का चार्जिंग केबल होता है ना छोटा सा पतला, लेकिन हमारा जो सिग्नल ऊपर चढ़ाना है उसके लिए हम मोटा केबल यूज़ करते हैं थोड़ा, ठीक है। वो मोटा केबल देखिए ये आ रहा है, ऐसा दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, एक यहाँ से आ रहा है, एक वो उधर से आ रहा है ना। तो ये केबल काला काला सा ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जा करके वो जो मशीन है ना जहाँ पर जो हमारा मतलब जो एंटीना है वहाँ पर वो जाएगा, वहाँ से पूरी जगह पूरे शहर में चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। अब फैलता है तो कितना दूर जाएगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा जो पावर कितना, पावर मतलब जिससे टार्च की रोशनी जितनी तेज होगी उतना दूर तक रोशनी जाएगी, है कि नहीं। तो वैसे ही हमारा जो जो हमारा जो ट्रांसमीटर बोलते हैं जिसमें से सिग्नल निकलता है वो जितना ज़्यादा पावर का होगा उतना हमारा सिग्नल